पुलिस ने सूचना के आधार पर कराना से चंडीगढ़ जा रही हिमाचल परिवहन की बस को सोलन बाईपास पर चेक किया, जिसमें सवार व्यक्ति 59 वर्षीय मोहन सिंह की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही चरस का वजन किया तो 1 किलो 926 किलोग्राम निकला। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी कुल्लू जिले के आनी का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत पिछले कुछ दिनों में ही भारी मात्रा में अवैध शराब और नशीले पदार्थ पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इसमें उन्होंने जनता द्वारा किए जा रहे सहयोग का भी आभार व्यक्त किया। कुल्लू से है, आनी से, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। थिंक ही वॉज ट्रेवलिंग इन बस एंड जैसे कि बताया कि ही वॉज कैरिंग दिस NDPS सब्सटेंस, चरस इनके पास था, तकरीबन 2 किलो से थोड़ा कम है। और वो हमारी टीम ने मौके पे इनको पता चला और वी हैव नैप्ड हिम अकॉर्डिंगली। अगर कुछ फिगर्स हमारे लिए, देखिए फिगर्स इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमने इस नेक्सस को तोड़ना है, पब्लिक की मदद से तोड़ना है। तकरीबन पिछले 20 दिन की बात करें तो 5 NDPS के मुकदमे और 22 के आसपास एक्साइज के मुकदमे, जिसमें तो हमें 45 पेटी से लेकर 15, 18, 20, 25 पेटियों तक हमें बरामदगी हुई है एक्साइज की, इलिसिट लीकर की। और NDPS में भी हमें 2 बारी कमर्शियल क्वांटिटी, इसमें भी चरस और पॉपी स्ट्रॉ, जिसे आप चूरा वगैरह कहते हैं। तो अलग अलग माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमारी टीम्स इसमें एक्टिवेटेड हैं और अकॉर्डिंगली कार्रवाई चल रही है।